Welcome students, today we will start with the first chapter of Hindi Vyakaran, Bhasha, Lipi or Vyakaran. Bhasha वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है. बच्चों, विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, चीनी, जर्मन, उर्दू, फारसी, मलयालम आदि. भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. तीसरा रूप होता है एक जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में केवल दो ही रूपों को मान्यता दी जाती है, एक मौखिक भाषा है और दूसरी लिखित भाषा. मौखिक भाषा के अंतर, जो भी हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं बोल करके सामने वाले के सामने, वो सुनता है और समझता है. इसी प्रकार से लिखित भाषा का हमारे पास लिखा हुआ साक्ष्य होता है, प्रूफ होता है, जिसे हम बच्चों के सामने या किसी भी व्यक्ति के सामने जो हमने लिखा है उसको हम सविस्तार बता सकते हैं. वैसे देखा जाए तो मौखिक भाषा पहला ही है. भाषा के इस रूप में वक्ता यानी बोलने वाला बोल करके अपने विचार व्यक्त करता है तथा श्रोता यानी सुनने वाला सुनकर उनको समझता है. लिखित भाषा, लिखित भाषा में भाषा के इस रूप में हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को पढ़कर जानते हैं. इसमें हमारे पत्र हैं, लेख हैं और आज के आधुनिक समय में जो मैसेज मोबाइल पर आप लोग लिखते हो, टाइप करते हो, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण होते हैं. अब हम लिखित भाषा के कई रूपों के बारे में जानेंगे. पहला रूप है मातृभाषा. बच्चों, मातृभाषा वह भाषा है जो बच्चा जन्म से लेकर, जब जन्म लिया तो माता के द्वारा, हमारी जननी के द्वारा जो हमें बताया गया, माने ही आपको सबसे पहले जब जन्म हुआ था पहला शब्द आपको मुंह से, जिभ्या से, वाणी से माँ निकला. माने फिर पिता ने, फिर परिवार ने, फिर हमारी संबंधियों ने हमें बोलना सिखाया, बताया कि ये चाचा हैं, ये दादा हैं, ये पिताजी हैं, माताजी हैं. तो ये हमारी जन्म की भाषा है, वो मातृभाषा है. उसके बाद नंबर आता है राष्ट्रभाषा. राष्ट्र, अब राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की भाषा. इस भाषा के माध्यम से हम अपनी देश दुनिया की बातों को समझते हैं, बोलते हैं और जानते हैं. इसके बाद नंबर आता है राजभाषा का. राजभाषा वह भाषा है जो सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में बोली जाती है और उसका भाषा का प्रयोग करते हुए कार्य भी हिंदी में किया जाता है. अब लास्ट नंबर आता है आपका संपर्क भाषा. अब आप अमेरिका जाएं, हिंदी बोलें, लेकिन आपको हिंदी को समझने वाला तो कोई नहीं होगा, या आपकी हिंदी को वो नहीं समझ पाएंगे और उनकी इंग्लिश को आप नहीं समझ पाएंगे. इस समय आपको निर्णय लेना होगा कि ऐसी भाषा का चयन किया जाए जिसे दोनों तरफ से समझा जा सके. आज इंग्लिश, अंग्रेजी जो है हमारे विश्व के अंदर एक राष्ट्रभाषा का नहीं, एक संपर्क भाषा का कार्य करती है. बच्चों, भारत में वैसे तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है. इसके लिए एक एग्जाम्पल बता दें, 18 नहीं, आप कोई सा एक नोट
करेंसी का उठा लीजिए, चाहे वो 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, या आपका 2000 का, उस पर भाषाएं अंकित होती हैं। इन भाषाओं को आप भली भांति उस पर देख करके समझ सकते हैं। यहाँ कुछ नाम भी दिए हैं हमने, हिंदी है, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, डोंगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। तो ये भाषाओं के बारे में जो आपको हमने बता दिया, इन भाषाओं को आप, मेरे हिसाब से आज सरकार ने नियम बना दिया है इसको एक भाषा के साथ, जैसे आप हिंदी बोलते हैं तो दूसरे राष्ट्र की यानी मलयालम की या तेलुगु सीखने की आपको आवश्यकता नहीं, तो इसे राजभाषा के रूप में आपके लिए अनिवार्य कर दिया जाता है। फाउंडेशन ये नहीं है कि मलयालम बोलने वाला हिंदी नहीं पढ़ेगा या हिंदी पढ़ने वाला मलयालम नहीं पढ़ेगा, छात्र की रुचि के अनुसार उसे वो पढ़ सकता है। मानक भाषा, भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों ने या शिक्षाविदों ने स्वीकार किया है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। भाषा की एक रूपता को बनाए रखने के लिए भाषा के मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए समझ लीजिए, आप घर पर थे, घर पर माता पिता ने क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना अच्छे व्यवहार के रूप में आपको समझाया कि बड़ों को आप, छोटे को तुम, बुजुर्गों को हाथ जोड़ करके, गुरुजनों को पैर छू करके, रिलेशन वालों को चरण स्पर्श करने के बाद उनका अभिवादन किया जाता है। तो देखिए, एक रूपता, समानता बनाए रखने के लिए कुछ मानक रूप बनाए गए। उन मानक रूपों के आधार पर हम अपने संस्कारों को आगे बढ़ाते हैं। अब है बोली, किसी छोटे से क्षेत्र से प्रयुक्त की जाने वाली वह भाषा जिसका प्रयोग प्राय बोलचाल के लिए किया जाता है, बोली कहलाती है। बोलियों का कोई लिखित रूप नहीं होता। बच्चे हमारे क्लास में बैठे हुए हैं और टीचर से नज़र थोड़ी सी छुपते ही और वो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं तो उनका सेंस ही नहीं मालूम होता कि क्या है। अरे, ओए, अवे, ये क्या है? ये हमारी भाषा की एक तरीके से मान लीजिए तोड़ मरोड़ करके ऐसा पेश किया गया कि जिसका कोई मान्य रूप नहीं है। उन्हें सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त नहीं की जाती है। प्रांतों में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, बोली का रूप थोड़ी दूर पर बदल जाता है। फिरोजाबाद में रहते हैं, जसराना पे जाइए, बोली चेंज हो जाएगी। आगरा में जाएं, बदल जाएगी। इधर आप जाते हैं जलेसर साइड, एटा साइड में, वहां बदल जाएगी। राजस्थान बॉर्डर पर जाएंगे, बदल जाएगी। इलाहाबाद चले जाइए और बिहार जाएंगे तो पूरी बदल जाएगी, भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी आदि। साहित्य एक शब्द इतना गंभीर शब्द है कि अगर इसके अंदर देखा जाए, साहित्य पहले समझ लीजिए क्या है, किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को, कोश यानी भंडार, साहित्य कहते हैं। साहित्य दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है गद्य साहित्य, दूसरा होता है पद्य साहित्य। गद्य साहित्य की आप कहें कि ये क्या है, समझ में नहीं आया, तो देखिए गद्य साहित्य, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, पत्र है, निबंध है, कोई लेख है, एकांकी या नाटक है, जिसे वक्ता बोल करके या लिख करके सीधे सीधे बताता जाता है, वो आपका गद्य साहित्य है। दूसरा है पद्य, पद्य यानी पढ़कर, रचना के तौर पर, कविता के रूप में, दोहे, सवैया, सोरसा, छंद के रूप में जिन्हें प्रस्तुत किया जाता है उन्हें पद्य साहित्य कहा जाता है। व्याकरण,
वह शास्त्र है जिससे भाषा की शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के नियम भी होते हैं। इनके ज्ञान से ही भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना आता है और बच्चों को सिखाया जाता है। व्याकरण के अंग, वर्ण विचार। पहला रूप है, पहला भाग, पहला प्रकार है वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार। अगर हम आगे इसको कराएंगे तब आपको बताएंगे कि इन तीनों का, चाहे चैप्टर के रूप में ले लें या आप जरूरत आवश्यकता के अनुसार ले लें, तीनों को डिटेल से बताना पड़ेगा। बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। लेट्स सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।